नमस्कार बागवान भाइयों, मैं कृष्ण कुमार अपना यूट्यूब चैनल इनसाइट ग्रेट हिमालय पर आपका स्वागत करता हूँ। बागवान भाइयों, मैं आज आपको अनार के फूलों पर दूसरी स्प्रे के बारे में बताऊंगा। पहली स्प्रे मैंने 7 मई को की थी, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि उसमें अपने 7 मई के वीडियो में कि ये कीटनाशक जो कि साइपरमिथ्रिन 25% EC जिसको आम भाषा में चैलेंजर के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्प्रे की थी। और उसके साथ मैंने एक सिस्टमिक फंगिसाइड डाला था मेविस्टिन, और एक माइक्रोन्यूट्रेंट, और साथ में एक अच्छा सा स्टिकर का इस्तेमाल किया था। तो बागवान भाइयों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अनार के फूलों पर जो स्प्रे शेड्यूल रहता है, जो पहली स्प्रे है वो मई महीने के पहले सप्ताह में की जानी चाहिए, और उसके बाद दूसरी स्प्रे जो है वो मई महीने के तीसरे सप्ताह में की जानी चाहिए। और आगे भी आप जितनी भी आप स्प्रे करेंगे अनार के फूलों पर, उन स्प्रे के बीच में, दो स्प्रे के बीच में लगभग 14 से 15 दिन का समय रहना चाहिए, यानी 14 से 15 दिन के अंतराल पर आप अगली स्प्रे करते जाएं। तो मैंने जैसे 7 मई को पहली स्प्रे की थी, और आज 21 मई है, 14 दिन पूरे हो गए, तो आज मैंने दूसरी स्प्रे की। तो मैं यहाँ पर कुछ फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और माइक्रोन्यूट्रेंट्स और स्टिकर की बात करूँगा कि कौन कौन से मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो मैं आपको एक बात पहले क्लियर करना चाहूँगा कि आप ये मैं केवल ब्रांड के नाम बता रहा हूँ जो मैंने इस्तेमाल किए हैं, बाकी आप इस पर मत जाइएगा कि आपको भी ये इस्तेमाल करना है। आपके लिए जो आपके लोकल मार्केट में जो उपलब्ध है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है और जिसका रेट सस्ता है, जो चीप है, तो आप वो इस्तेमाल करें जो आपको सही लगता है। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं उसके केमिकल नाम भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कीटनाशक की बात करूंगा जो मैंने इस्तेमाल किया अभी, कीटनाशक। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात आपको और भी बताना चाहूँगा कि आप जो पहली स्प्रे में जो भी कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरी स्प्रे में कभी भी रिपीट ना करें, उसको दूसरी स्प्रे में चेंज करें। फिर जब तीसरी स्प्रे करनी हो, तब आप वो कीटनाशक फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने साइपरमिथ्रिन का इस्तेमाल पहली स्प्रे में किया, तो दूसरी बार मैंने उसको चेंज किया, तो क्योंकि पहली बार मैंने सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया था, तो दूसरी बार मैं कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया मैंने, जो कि इनोविक्सिया के नाम से, ये USA की कंपनी है एक, तो खैर कंपनी पे मत जाए। तो जो कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड यूज़ किया है, वो बाहर जो भी इंसेक्ट्स होंगे पत्तों पर, टहनियों पर, फ्रूट पर, फूल पर, तो उसको वो दूर करेगा, और सिस्टम में अंदर जाकर के भी कोई वायरस है इस तरह का, किसी किस्म का, तो उसको भी वो ठीक करता है। तो ये इनोविक्सिया के नाम से ये सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। और फंगिसाइड मैंने जो इस्तेमाल किया वो यूथेन M45 के नाम से है, यानी कोई भी M45, चाहे वो डायथेन है, यूथेन है या कोई और है, आप ये फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपके अनार के बगीचे में ज़्यादा नमी रहती है और जिसके कारण फंगस का ज़्यादा प्रकोप रहता है, तब भी आप फंगिसाइड कीजिएगा, अदरवाइज फंगिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंसेक्टिसाइड आपको बदल बदल के ज़रूर करना है। तो ये तो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की बात हुई। इसका मैं रेट भी बताना चाहूँगा आपको। जो इंसेक्टिसाइड था मेरे पास, ये 250 ml का है, इसका जो रेट है वो लगभग 703 रुपये है, तो ये मुझे उसने दिया 650 रुपये का। तो आप बार्गेनिंग करके अपना अच्छा सा कोई भी इंसेक्टिसाइड आप यूज़ करें, और जो भी आपको अच्छा लगता है। और फंगिसाइड तो खैर ये सबसे ज़्यादा रेट पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो स्टोर्स है वहाँ पर भी मिल जाता है। फिर तीसरा जो मैंने इस्तेमाल किया वो एक माइक्रो न्यूट्रेंट यूज़ किया, वो ये है टाटा कंपनी का रैली गोल्ड। रैली गोल्ड इसलिए इस्तेमाल किया मैंने, काफ़ी महंगा भी लगा मुझे, 623 रुपये या 24 रुपये कुछ प्रिंट रेट है, ये मुझे उसने 550 रुपये का दिया। तो 100 ग्राम इसको, ये पाउडरी फॉर्म में है, तो 100 ग्राम इसको 2 लीटर पानी में इसको डालना है। तो इसमें क्योंकि अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड और बाकी सब कुछ क्वालिटीज़ देखी मैंने, जो शायद मुझे ऐसा लगा कि ह्यूमिक एसिड अभी फ्रूट डेवलपमेंट
होने जा रहा है, तो शायद ये कुछ ज़्यादा काम करेगा फ्रूट सेटिंग पर और उसके जो फ्रूट के विकास में, और बाकी भी इसमें न्यूट्रेंट्स है, तो इसलिए मैंने ये टाटा का रैली गोल्ड इस्तेमाल किया। तो इसके साथ साथ एक अच्छा सा स्टिकर भी चाहिए, तो ये स्टिक बेल के नाम से एक स्टिकर है, ये स्टिकर भी है और स्प्रेडर भी है, यानी ये दवा को फैलाता भी है। तो क्योंकि अभी आजकल गर्मी भी ठीक है, धूप दिन को अच्छी होती है, तो कोशिश तो हम ये करते हैं कि जो भी स्प्रे करें हम वो सुबह के टाइम करें, या दिन में अगर बादल हैं तो दिन में भी करते हैं, या फिर शाम के समय जब मौसम में नमी बनी रहती है, आर्द्रता रहती है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम दिन में स्प्रे करते हैं तो बिल्कुल धूप में वो दवा एकदम सूख जाती है और पत्तों पर चिपक जाती है, जिसकी वजह से पत्ते उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो वो सिस्टम में अंदर नहीं जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सुबह के टाइम जब नमी हो तो तब ये स्प्रे की जाए, ताकि पत्ते उससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर सके और जो भी इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो बाहर हैं या सिस्टम में हैं, उसको वो बारिश को दूर करें, ताकि हमारे जो फ्रूट बोरर्स और बाकी दूसरे जो भी कीट हैं और वायरस है वो सब इससे दूर हो जाएं। तो ये सब थे वो चार। इसमें जो इंसेक्टिसाइड है वो 100 ml 200 लीटर पानी में इसको मिलाया गया है, और बाकी M45 जो फंगिसाइड है वो तो आप जानते हैं कि 500 ग्राम जो है 200 लीटर पानी में मिलाया जाता है, और ये जो रैली गोल्ड है ये 100 ग्राम का है 200 लीटर पानी में। बाकी स्टिकर आप कोई अच्छा सा स्टिकर डालें और इसका इस्तेमाल करें। तो भाइयों ये थी जानकारी, तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं आपको अनार और सेब के बारे में, जो भी स्प्रे शेड्यूल है और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। तो धन्यवाद बागवान भाइयों।